मैं एहसानुल हक मलिक सम्मान्य से आज मेरे साथ है यादव शक्ति पत्रिका के संपादक राजवीर यादव जी। यादव जी जो हाथरस में मनीषा के साथ वाल्मीकि, तो मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा कि वो भारत की बेटी है, भले ही जातियों में लोगों ने बांटा हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये जात समाप्त हो। तो मनीषा के बारे में जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मान्यवर, भारत में इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं। जो हरदोई का राजा था हिरण्यकश्यप, उसकी बहन थी होलिका, और होलिका के साथ भी बिल्कुल यही घटना हुई थी। होलिका के साथ भी आर्यों ने बलात्कार किया था, और बलात्कार करने के बाद में जो है उसको रात में जला दिया था। इसीलिए होली रात में जलाई जाती है, और ये भारत की दूसरी घटना है, ये भी एक होलिका है। क्योंकि ये घटनाएं यही लोग करते हैं इस सरकार में, और क्या उम्मीद रखते हैं आप इन लोगों से कि जितनी घटनाएं हुई हैं, एक मनीषा अभी दिव्या भारती के साथ हुआ था, पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी। ये घटना जो है ये आपको एहसास करा रही है कि वही मन स्मृति का संविधान लागू होने वाला है। क्योंकि ये जब घटनाएं हुई थी तो मनु का संविधान लागू था, तो ये जो घटना हुई है ये आज उनके साथ हुई है, कल आपके साथ होगी, परसों मेरे साथ भी होगी, और जो लोग सुन रहे हो उनके साथ भी हो सकती है। क्योंकि और क्या उम्मीद करेंगे इस सरकार से? कुछ जो वर्तमान में आंदोलन चल रहे हैं मनीषा को लेकर के, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करना चाहेंगे, जो आंदोलन चल रहे हैं, आज भारत बंद चल रहा है, पूरी तरीके से भारत बंद होना चाहिए, लोगों को अपनी दुकान बंद कर देना चाहिए, कार्यालय नहीं जाना चाहिए, सारे काम ठप कर देना चाहिए। अगर हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहे तो सारे लोगों के साथ यही होगा। इसलिए मेरी भी जनता से अपील है, जो आंदोलन हो रहे हैं इस संदर्भ में, उन सारे आंदोलनों में अपनी अपनी भागीदारी करें, और जहां पर भी हो, जिस स्तर पर हो, वहां इस आंदोलन को गति पकड़वानी चाहिए, और खासकर महिलाओं को निकल के आगे आना चाहिए। क्योंकि पुरुष तो निकल के आ जाते हैं, कैंडल मार्च दिखा देते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं आ रही हैं। विशेषकर मेरा पुरुषों से अनुरोध है कि अपने साथ में अपने घर की महिलाओं को भी जरूर रखें। धन्यवाद। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए और अपने संगठन का नाम बताइए। मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं इस कांड की घोर निंदा करता हूँ, और वंचित समाज से, बहुजन समाज से, मूल निवासी समाज से उनसे निवेदन करता हूँ कि कहीं भी इस तरह की कांड हो तो आंदोलन में वो सब एकजुट होकर जो है उसमें संघर्षरत हो। ये ना देखें कि आज मनीषा के साथ है या आज उसके साथ है, कहीं भी किसी के साथ कोई कांड होता है, देखें यहाँ न्यायपालिका हो चाहे कोई भी पालिका हो, यहाँ जो है जाति के आधार पर उनकी FIR दर्ज होती है, उसी के आधार पर निर्णय होते हैं। यहाँ वंचित समाज को क्या है, कहीं न्याय मिलने की बात नहीं है। देखिए अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगाई गई थी, इसलिए रोक लगाई गई थी कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आज जो है न्यायपालिका में सभी जगह ब्राह्मण काबिज हैं, इसलिए वंचित समाज को यहाँ कहीं न्याय नहीं मिलता, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। अगर यही कांड किसी दूसरी कास्ट का, जनरल कास्ट का, स्वर्ण कास्ट का कांड होता तो पूरा देश उसमें, मीडिया भी लग जाता, पूरा देश लग जाता। जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो उसमें पूरा देश निकल पड़ा। यहाँ रोज जो है SC ST OBC जो दलित समाज कहते हैं, जिनको वंचित समाज कहते हैं, उनके साथ जो है इस तरह के जितने कांड हो रहे हैं उनके, उनको कहीं न्याय मिलने की कहीं उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है। इस तरह से मेरा ये निवेदन है कि जो है ये ना समझें लोग जो है कि हमको इससे क्या लेना देना। जैसे वाल्मीकि समाज उनके नाम के सामने लगा है, वाल्मीकि तो वैसे ब्राह्मण था, अब मैं नहीं इसको कह सकता भाई वो लोग लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वाल्मीकि वंचित समाज से था, शूद्र समाज से, जब उसको शिक्षा का अधिकार ही नहीं था तो रामायण कैसे लिख देता? रामायण तो नहीं लिख सकता जो अनपढ़ आदमी होता, तो है ना। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी ये कांड जिस तरह के हो रहे हैं,
तो कहीं भी कोई कोई भी संगठन कहीं भी कोई आंदोलन कर रहा है, हम लोगों को सबको उसमें एक जगह इकट्ठा होकर भागीदारी करनी चाहिए। हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, राज हमारा होना चाहिए। राज उनका हो रहा है, 3% लोग हैं, 10% लोग हैं, 15% लोग हैं, जबकि 85% का राज होना चाहिए। हमको एकजुट होकर कहीं भी कोई आंदोलन हो रहा है तो हमको उसमें भागीदारी करनी चाहिए। उसमें जो जाति की बात है, जाति व्यवस्था को ये जो ख़त्म करने की बात है, बाबा साहब ने कहा था, उन्होंने भी जातिवीर समाज की स्थापना करने की बात कही थी। तो हम लोगों को भेदभाव मिटा के कि SC है, ST है, यादव है, बंगी है, चमार है, उसको छोड़ कर हमको सब एक जगह जो है इकट्ठा होकर आंदोलन करना होगा, तो सफलता आपको मिलेगी और आपकी बात मानी जाएगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से, जैसे सफाई कर्मचारी अगर वो एक दिन ही वो सफाई का काम छोड़ दें, गंदगी जब जमा हो तो आपकी बात माननी जाएगी, सफाई का काम अगर छोड़ दें। धन्यवाद मित्रों, ये अजीब सा देश है, अगर मनीषा के बजाय अगर यहाँ कोई गाय होती तो आज पूरा भारत जल गया होता। लेकिन सर मानी चाहिए ये बिकाऊ मीडिया को कि इतनी बड़ी घटना को वो कहीं भी दिखा नहीं रहे हैं। हम सभी मूल निवासियों से अपील करते हैं कि वो अपना मीडिया बनाए और कुल राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता पर कब्जा करें, तभी जा कर के इन वंचितों का सुधार होगा। जय भारत।